उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे की प्रक्रिया को पूरी तरह सही बताया। न्यायालय ने कहा, खरीदी की गुणवत्ता में कोई सवाल नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, राफेल सौदे की प्रक्रिया पहले से ही पूरी तरह पारदर्शी थी। भाजपा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में विचार मंथन का दौर जारी, आज हो सकती है घोषणा। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विधानसभावार प्रशिक्षण कार्य शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल खरीदी की प्रक्रिया को पूरी तरह सही बताया है। राफेल डील से संबंधित चार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने आज सुनवाई की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने फ्रांस के साथ हुए 36 लड़ाकू राफेल विमान खरीदने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि विमानों की कीमत तय करना अदालत का काम नहीं है। अदालत ने कहा कि राफेल डील की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। यह फैसला सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल सौदे का मामला पहले से ही पूरी तरह पारदर्शी था। कांग्रेस ने इस पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। राफेल का जहां तक प्रश्न है, यह मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से ही। और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। और मैं यह मानता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कांग्रेस के तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा था उसका पर्दाफाश हो गया है। इस पर हम स्ट्रक्चर रिस्पांस भी देंगे, डिटेल रिस्पांस भी देंगे, लेकिन इतना शुरू में जरूर कहेंगे कि ये झूठ का पर्दाफाश हुआ है और ये बहुत अच्छा निर्णय है और जिसकी सराहना करनी चाहिए। इसी तरह केंद्रीय सूचना और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। वायुसेना इसके लिए आग्रह कर रही थी। राफेल की क्वालिटी के बारे में कभी कोई संदेह नहीं रहा है। आज हमें इस बात का बहुत संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द डिसीजन अपहोल्डिंग द इंटायर राफेल डील। द कंट्री नीडेड इफेक्टिव फाइटर प्लेन्स टू रीइंफोर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एयरफोर्स। दिस वॉज पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। द इंटायर डील वॉज कंप्लीटली फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट एंड आई एम वेरी एश्योर्ड टू लर्न द सुप्रीम कोर्ट टूडे हैज अपहेल्ड इट। आई वुड ओनली अर्ज वन थिंग टूडे दैट All the campaign against Rafale must end now, because the country's strategic interest is more important. वहीं भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि कांग्रेस को देश हित में इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस रंजन गोगोई साहब और बाकी जो जजेस हैं उनके सामने बहस हुई, पिटिशन हुआ और उन्होंने आज तय किया है कि इसे खारिज किया जाए। कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों को इस पर गंभीर चिंता करनी पड़ेगी कि देश हित में सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की राजनीति कहां तक उचित है। जहां पर कोई घोटाला हुआ ही ना हो वहां पर घोटाले चिल्लाना चिल्लाना
तथ्यों को एक प्रकार से मैन्युफैक्चर करना, जहां धुआं भी नहीं है वहां आग की बात करना, ये क्या देश हित में उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल सौदे को लेकर मनोहर लाल शर्मा, विनी ढांडा, संजय सिंह, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में राफेल सौदे की कीमत और उसके फायदों की जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शाह ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में सरकार ने पूरी पारदर्शी नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि राफेल मुद्दे पर उनकी सरकार संसद में चर्चा कराने को तैयार है। श्री शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश को ये बताएं कि उन्होंने किस सूत्र के हवाले से इस तरह के निराधार आरोप लगाए और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेने की एक नई राजनीति की शुरुआत की और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट झूठे आरोप लगाने की राजनीति के मुंह पर तमाचा है, चाटा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है। राहुल गांधी जी ने देश की जनता की और देश की सेना की माफी मांगनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को रोककर देश की सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डालने का प्रयास किया है, इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं श्री राहुल गांधी जी को कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राफेल सौदा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। राज्य का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी कांग्रेस में विचार मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और डॉ चरणदास महंत आज नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शक्ति ऐप के जरिए राज्य के कार्यकर्ताओं से मिले सुझावों का आकलन किया। बताया जाता है कि आज होने वाली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्री गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इसमें रायशुमारी के बाद आज छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम के घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कल भी नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। इससे पहले सरकार गठन और मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए श्री खड़गे पर्यवेक्षक के तौर पर रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने बैठक में कांग्रेस के सभी नव निर्वाचित सदस्यों से बातचीत कर उनकी पसंद जानी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों ने एक मत से मुख्यमंत्री पद के निर्धारण का जिम्मा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सौंपा है। दूसरी ओर राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होना है। इसके लिए मंच निर्माण सहित अन्य जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अजय सिंह ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक ली और शपथ ग्रहण समारोह के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, लोक निर्माण विभाग के सचिव सुबोध सिंह, पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय और रायपुर संभाग आयुक्त जीएस चुरेंद्र सहित प्रशासन और पुलिस के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दूसरी ओर राज्य की वर्तमान विधानसभा का बीते 12 दिसंबर को विघटन कर दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 174 में प्राप्त शक्तियों को उपयोग करते हुए राज्यपाल ने वर्तमान विधानसभा के विघटन की अधिसूचना जारी की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने राज्य में विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के बारे में विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग को अवगत करा दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 के 12 दिसंबर को पूर्व भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता पुनरीक्षण की कवायद शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में आज से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक अधिकारी, बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने की शुरूआत कर दी गई है। आज पहले दिन राजधानी रायपुर में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज रायपुर, दुर्ग, महासमुंद सहित 30 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये अधिकारी 19 से 23 दिसंबर तक अपने जिलों में विधानसभावार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन 26 दिसंबर से अगले वर्ष 25 जनवरी तक किया जाना है। 3 दिनों तक चलने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज और 17 दिसंबर को रायपुर में और 15 दिसंबर को बिलासपुर में होगा। वहीं आज मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के बारे में रायपुर में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की जाएगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपील की है कि वे इस बैठक में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण से संबंधित अपने सुझाव दे सकते हैं। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों और घायल कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अनुग्रह राशि जारी की है। इसके तहत अब तक कुल 3,10,00,000 रुपए की राशि दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि राज्य में 2 चरणों में हुए मतदान के दौरान माओवादी घटना में शहीद जवानों, दूरदर्शन के कैमरामैन और आम नागरिकों के आश्रितों को आयोग की ओर से 20,20,00,000 रुपए और घायलों को 10,10,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक ऐसे 18 प्रकरणों में राशि जारी कर दी गई है। ये राशि आश्रितों को जल्द दिए जाने से संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही ये अनुग्रह राशि राज्य शासन की ओर से दी जा रही सहायता राशि से अलग है। बीती 27 अक्टूबर को बीजापुर में हुए माओवादी हमले में जवान मीर मतीउर रहमान, मोहन बेहरा, चट्टी प्रवीण और गुल्लीपली श्रीनु शहीद हुए थे। वहीं 30 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में हुए माओवादी हमले में दिल्ली दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की मौत हो गई थी। इस हमले में जवान रुद्र प्रताप सिंह, मंगलू मंडावी और राकेश कुमार भी शहीद हुए थे। श्री साहू ने बताया कि निर्वाचन कार्य के दौरान माओवादी घटनाओं के अलावा अन्य दुर्घटनाओं और स्वाभाविक मौत के मामलों में भी अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। राज्य में उद्यानिकी फसलों का मौसम आधारित फसल बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय तय किया गया है। उद्यानिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बागवानी किसानों को कम या अधिक तापमान, बीमारी, कीट प्रकोप, सूखा और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की स्थिति में मुआवजा देने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। रबी मौसम में जिन 6 उद्यानिकी फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है, इनमें टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू शामिल हैं। इन फसलों की जोखिम अवधि अलग अलग तय की गई है। इस योजना में ऋणी और अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। इन फसलों का बीमा कराने के लिए सभी जिलों में चॉइस सेंटरों, लोक सेवा गारंटी केंद्रों और सहकारी समितियों से संपर्क किया जा सकता है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे की प्रक्रिया को पूरी तरह सही बताया। न्यायालय ने कहा खरीदी की गुणवत्ता में कोई सवाल नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा राफेल सौदे की प्रक्रिया पहले से ही पूरी तरह पारदर्शी थी। भाजपा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत।
छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में विचार मंथन का दौर जारी, आज हो सकती है घोषणा। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विधानसभावार प्रशिक्षण कार्य शुरू। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।